हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन विषय इंग्लिश लेके आए हैं। इस विषय इंग्लिश जो है आपकी कक्षा 6 से 8 के लिए है, यानी कक्षा 6, 7 और 8 दोनों के लिए है, और यह सत्र 2022-23 के लिए है। और ये जो आपकी बुक बनाई गई है, यह किसके माध्यम से बनाई गई है? यह बुक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और इसमें जो आपको हम वर्कशीट बता रहे हैं, ये ग्रेड 3 और 5 के बच्चों के लिए है, और इसका समूह है तरुण समूह। चलिए, हम आपको आज वर्कशीट 44 लेके आए हैं, और ये वर्कशीट 44 जो है आपकी कहानी के रूप में है, स्टोरी है। तो देखते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं, और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर आपको यहाँ पर बताना है, तो उसके आंसर हम आपको बताएँगे। देखिए, यहाँ कह दिया रीड द स्टोरी केयरफुली, यानी कहानी को ध्यान से पढ़ें। देखिए यहाँ क्या दिया, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी और ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर, यानी कि यहाँ पे लोमड़ी और अंगूर पे ये कहानी बनाई गई है, ये स्टोरी बनाई गई है। देखिए स्टोरी क्या दिया, वन डे, एक दिन, ए फॉक्स सा, यानी लोमड़ी ने देखा, बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन, गार्डन में अंगूर का गुच्छा। इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, वन डे ए फॉक्स सा बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन, एक दिन लोमड़ी ने बगीचे में अंगूर का गुच्छा देखा। बंच यानी गुच्छा, ग्रेप्स यानी अंगूर, गार्डन यानी बगीचा, सा यानी देखा, फॉक्स यानी लोमड़ी, वन डे यानी एक दिन। तो इसका हिंदी में क्या हुआ, एक दिन लोमड़ी ने अंगूर का गुच्छा देखा। फिर उसका आगे देखते हैं क्या लिखा है, द ग्रेप्स वेयर टू हाई टू गेट। तो यहाँ क्या होगा, इसका क्या कह रहा है, इसमें दूसरी लाइन जो है, दूसरा स्टेप है, द ग्रेप्स वेयर टू हाई टू गेट, अंगूर का गुच्छा बहुत ऊंचाई पर था, हाई टू यानी बहुत हाई यानी ऊंचाई, ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर का गुच्छा बहुत ऊंचाई पे था जिसे प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे कह दिया, द बॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि लोमड़ी, द फॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन, लोमड़ी बार बार कूद रही थी, बट परंतु ही कोल्ड नॉट गेट द डैम, परंतु उसे प्राप्त नहीं हुआ, परंतु ही कुड नॉट गेट देम, उसे प्राप्त नहीं हुआ। एट लास्ट, एट लास्ट मिस होता है आखिर में, ही वांट अवे, वह चली गई, कौन चली गई, लोमड़ी चली गई, ही शेड, और उसने कहा, उसने क्या कहा, द ग्रेप्स आर श्वेयर, श्वेयर यानी होता है खट्टा, यानी कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस कहानी में जो लोमड़ी थी उसके बारे में बताया गया कि एक लोमड़ी थी, एक दिन लोमड़ी क्या कर रही थी, एक दिन लोमड़ी ने अंगूर के गुच्छों को देखी, क्या कि अंगूर गुच्छे को देखी, द ग्रेप्स वेंट टू हाई, और वो बहुत ऊंचाई पे थे जिसे प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल था, द फॉक्स जंप्ड अगेन अगेन, यानी कि जो फॉक्स थी यानी लोमड़ी थी बार बार कूद रही थी, बट ही कुड नॉट गेट द डैम, परंतु उसे प्राप्त नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऊंचाई पे था। फिर क्या कह रहा है, एट लास्ट एंड आखिर में, ही वांट अवे में बहुत आखिर में वह चली गई, ही शेड ग्रेप्स आर श्योर, और वह कहने लगी अंगूर खट्टे थे। इस प्रकार से ये कहानी थी आपकी, इसकी लोमड़ी और अंगूर की। इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न है उसे हम बता देते हैं। यहाँ दिया है, क्या दिया है, नाउ आंसर द क्वेश्चन, अब प्रश्न के उत्तर लिखें। क्या दिया, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, जो स्टोरी दिया है उसके जो सेंटेंस शेष हैं उन्हें कंप्लीट यानी पूरा करना है। पहला दिया, वन डे ए फॉक्स सा, यानी एक दिन, आपके बुक में लिखा है वन डे ए फॉक्स सा, पहली लाइन में देखेंगे आप, उसके आगे सा के आगे क्या लिखा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा, इन अ गार्डन, कहाँ तक आ जाएंगे, इन अ गार्डन तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पहला सेंटेंस पूरा हो जाएगा,
जो आपकी कहानी है उसकी पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। फिर देखिए दो नंबर, द फॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन। क्या हो रहा था, जो फॉक्स है बार बार क्या कर रही थी, कूद रही थी, बट ही कुड नॉट गेट देन, और उसे वह प्राप्त नहीं हुआ। एंड देम है, हमने यहाँ देन लिखे हैं, इसको क्या टी एच ई एम देम, क्या है ये देम। फिर अगला देखिए तीसरा नंबर, ही शेड द ग्रेप्स आर श्योर, और लास्ट की लाइन में दिया है ही शेड। ही शेड मीन्स वह कहने लगी द ग्रेप्स आर श्योर, यानी कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं। तो इसके आंसर आप यहां से देख सकते हैं, आपकी ये पहले का आंसर यहां पर मिल गया, देखिए यहां से यहां तक ए ब्रांच ग्रेप्स इन द गार्डन। फिर दूसरे का आंसर कहाँ से मिल जाएगा, अगेन, तो दूसरे में कहाँ तक दिया था आपका, ही दूसरे नंबर में दिया था द फॉक्स जंप्ड, कहाँ तक दिया था, यहाँ तक दिया था द फॉक्स जंप। यहाँ से आप कहाँ से चालू करेंगे, अगेन एंड अगेन कॉमा है, बट ही कुल्ड नॉट गेन देम, यहाँ फुल स्टॉप तक ले लेंगे, ये आपका सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड नंबर के में क्या बताया इसमें, ही शेड, तो ही शेड ये है, इसके आगे का यहाँ से देख के आप कंप्लीट कर देंगे, द ग्रेप्स आर श्योर, श्योर है ना खट्टा। इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर दो में क्या दिया है, राइट दिस वर्ड इन वर्ड्स, इन शब्दों को देखकर लिखें, आपको यहाँ जो शब्द दिए उन्हें देखकर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका डे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, डे। यहाँ श्योर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, श्योर। यहाँ फॉक्स लिखा है, तो फॉक्स लिख देना है। जंप लिखा है, तो यहाँ जंप लिख देना है। और ग्रेप्स लिखा है, तो ग्रेप्स लिख देना है। डे मीन्स क्या होता है, दिन। डे मीन्स क्या होता है, दिन। श्योर मीन्स क्या होता है, खट्टा। फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी। जंप्ड मीन्स होता है कूदना। और ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर दो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न नंबर दो के साथ आपकी जो कहानी थी, कौन सी कहानी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इस कहानी के साथ, इस स्टोरी के साथ वर्कशीट 44 कंप्लीट होती है। यदि यह वर्कशीट या ये कहानी आपको समझ आएगी, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।